ये नेगेटिविटी को दूर करता है, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल आइज है, नजर से बचाने का काम करता है, इसलिए इसके पिरामिड भी बनते हैं। इसके काफी नगीने भी बनते हैं, पेंडेंट भी बनते हैं, ब्रासलेट भी बनते हैं। जैसे मैंने ये ब्रासलेट बनाया है, ये फॉसिल स्टोन का ही है। सर ऐसा है कि हमारे यहाँ जैसलमेर के अंदर जो है वो दो प्रकार के स्टोन निकलते हैं। एक तो निकलता है सैंडस्टोन, जिससे पूरा जैसलमेर बना हुआ है, इसीलिए जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी, सुनहरा नगरी का यहाँ पीला पत्थर निकलता है। तो ये जो पीले पत्थर के बाउल हैं, ये पर्टिकुलर तो काम आते हैं दही जमाने के लिए। नॉर्मली क्या है कि हम घर के अंदर दही जमाते हैं तो उसके ऊपर पानी का लेयर आ जाता है, लेकिन इसमें दही बनाएंगे पानी का लेयर नहीं आएगा, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है और गाढ़ा दही जमाने में काम आता है। हिंदुस्तान में एक ही मात्र ऐसा स्टोन है जिसको आप माइक्रोवेव में भी यूज कर सकते हो, इसको आप गैस पे भी पका सकते हो। ये पत्थर कभी भी फटता नहीं है, क्योंकि जैसलमेर तो डेजर्ट एरिया में है, यहाँ पर तो पहले कोई प्रकार का क्रॉकरी नहीं था, तो पत्थर के बर्तनों में ही खाना वगैरह बनाते थे। ये बाहर से तो पॉलिश है, अंदर से ये रफ रहता है। इसको रफ इसलिए रखा जाता है कि दही जमाते समय दूध के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है ये उसको एब्जॉर्ब करता है और श्रीखंड की तरह गाढ़ा दही जमाने में काम आता है। तो एक तो ये है, एक हमारे यहाँ निकलता है ये वाला पत्थर। अगर इस पत्थर के बारे में आपने पहले कभी सुना हो या पढ़ा हो, जैसलमेर जो है वो 180 मिलियन ईयर पहले जो है ये पूरा समुंदर एरिया था, तभी तो यहाँ पर डेजर्ट है। डेजर्ट कहाँ से आता है? जब समुद्र लुप्त हो जाता है, तो समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ घोंघा सीप वगैरह जो भी था वो सब पत्थर में कन्वर्ट होने से ये हो गया फॉसिल, इसलिए इसको बोलते हैं सी सेल स्टोन्स। इसका दूसरा नाम है हाबूर स्टोन। हाबूर एक्चुअल में गांव का नाम है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गाँव है, वहाँ से ये पत्थर निकलता है, इसलिए गवर्नमेंट ने नाम दे दिया हाबूर फॉसिल्स। ये पूना के डॉक्टर है असगर अली करके, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, कई किताबों में भी है, गूगल पे भी यूट्यूब पे भी इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। गूगल पे आप हाबूर स्टोन जैसलमेर करके डालो, इसका पूरा डिटेल वीडियो फोटो ऑनलाइन प्राइस क्या कैसे वर्क करता है क्या बेनिफिट से आ जाएगा। ये पर्टिकुलर तो काम आता है एज ए मेडिकल प्रॉपर्टी में, एज ए मेडिसिन के लिए। अगर किसी के कोई प्रकार का डायबिटीज पाइल शुगर बीपी घुटनों में दर्द हो गैस हो एसिडिटी अगर हो तो ये उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे मिनरल्स और ऐसे बैक्टीरिया है जो पेट के अंदर स्टोमक के अंदर कोई प्रकार का डिजीज है ये उसको काटता है, इसलिए ये ग्लास बिकता है। दूसरा, इसके अंदर आप अगर दूध को गर्म करके डालो सवेरे में, ये ऑटोमेटिकली दही में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कोई जादू या चमत्कार या मैजिक नहीं है, ये बाबा जी वाला पत्थर नहीं है। एक्चुअल में क्या है, हमारे घर में भी ऐसी कई चीज़ें होती है जो दूध के अंदर डालने से दही में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि दूध को गर्म करके चांदी का सिक्का है, हरी मिर्ची है, बादाम है, नारियल की गिरी है, सुपारी है, उनको भी अगर दूध के अंदर डालेंगे तो दही बन जाएगा, क्योंकि दही बनाने के लिए हमें चाहिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जिस चीज़ के अंदर बैक्टीरिया रहता है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो दही जो है वो खाने जैसा नहीं रहता है। तो ये जो है इसके अंदर ऐसे मिनरल्स ऐसे बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर वो दही जो है वो ऐसे लूज रहता है, क्योंकि समुद्री पत्थर है, पानी को एब्जॉर्ब करने का इसका कैपेसिटी नहीं है। तो ये दही के लिए नहीं है, ये एज ए मेडिकल प्रॉपर्टी के लिए ही काम में आता है, इसीलिए ही बिकता है। तो ये ग्लास फॉसिल स्टोन का है। इसी पत्थर के हम पिरामिड भी बनाते हैं, जैसे कि ये पिरामिड है, ये पिरामिड वास्तु शास्त्र का काम करता है, ये नेगेटिविटी को दूर करता है, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल आइज है, नजर से बचाने का काम करता है, इसलिए इसके पिरामिड भी बनते हैं। इसके काफी नगीने भी बनते हैं, पेंडेंट भी बनते हैं, ब्रासलेट भी बनते हैं। जैसे मैंने ये ब्रासलेट बनाया है, ये फॉसिल स्टोन का ही है, ये एज ए गुड लक के लिए काम में आता है, तो उसके लिए इसको जेम्स मरियम स्टोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीजें हमारे यहाँ की जैसलमेर की सबसे फेमस ऑथेंटिक चीज है, तो इसके जैसलमेर के अलावा ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बार मेरा डिटेल भी दिया हुआ है, दुकान का नाम भी दिया है, दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर वगैरह सब दिए हुए हैं। मेरा नाम लीलाधर ओझा है, किले के अंदर राजा के महल के सामने मेरा दुकान है, और मेरा नंबर है 9799166080 मेरा मोबाइल नंबर है। अगर किसी को कुछ चीज मंगवाना हो तो मेरे को ऐप ऐसे ऑर्डर कर सकता है। नमस्कार।